असलम एवरी वन मेरा नाम किरण भट्ट है और आप मुझे लाहौर बुक क्लब के YouTube चैनल पे देख रहे हैं जो मेरी और अदनान मोइस की एक छोटी सी एफ़र्ट है आप लोगों को किताबों के मज़ीद नज़दीक करने की छोटी सी एफ़र्ट में हमेशा इसलिए कहती हूँ कि बिल्कुल छोटा सा भी हमारा YouTube चैनल है और हम लोग आपको किताबों के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को किताबों में मज़ीद इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो सके अब हम लोग क्योंकि अक्सर ऐसी किताबों का रिव्यू करते हैं जिसमें फ़िक्शन भी होती हैं नॉन फिक्शन भी होती हैं और हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स हैं जैसे अक्सर जो अदान है वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड किताबों का भी जो है वो रिव्यू कर देता है मैंने अभी तक वैसे ऐसा मेरा निकाल है कुछ किया बट आई एम रीडिंग अ बुक जो मैं आपके साथ मज़ीद जो है वो शेयर करूँगी आने वाले दिनों में वो बहुत इंटरेस्टिंग है लिखी पॉलिटिक्स पर हुई है ऑन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और हम लोग इन जो नेक्स्ट है ना वो ऑटोबायोग्राफ़ीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे कैसी लिखी हुई हैं हम लोग आपको राइटर्स के बारे में बताते हैं आया उनकी पर्सनैलिटी कैसी है वो क्या कर चुके हैं अपने फील्ड में लिटरेचर से रिलेटेड और उनकी पर्सनल लाइफ कैसी रही है आज जो हम लोगों ने राइटर और बुक सेलेक्ट की है आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू गेट दिस बुक जब मैंने यहाँ पे Uh, अपने मतलब लोकल स्टोर्स में ये बुक देखी तो आई वॉज लाइक वाओ वी कैन हैव दिस बुक फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग ऑथर्स ऑफ मिसिस फ़नी बोन्स नाउ मिसिज फ़नी बोन्स इज़ अ वेरी कैची नेम और मुझे जब से इन्होंने अपना करियर राइटिंग में शुरू किया है एज अ ऑथर शुरू किया है ये मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं मैं इनकी र... जब मैंने किताब पढ़ी भी तो आई वॉज लाइक ओके मतलब इट्स वेरी गुड इनके लिखे हुए आर्टिकल्स कुछ मैं पढ़ती रहती हूँ जो पेपर में आते हैं इनका कॉलम uh, आता है इंडियन uh, पेपर्स में सो मिसेस फ़नी बोन्स इज इफ़ यू डोंट नो तो लेट मी सॉरी लेट मी हैव दिस प्लेजर टू इंट्रोड्यूस यू दैट द वेरी फेमस इंडियन एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ऑल्सो राइट्स वो बहुत अच्छा लिखती हैं और uh, हम लोग यहाँ पर उनको पढ़ते हैं जब उन्होंने अपना राइटिंग करियर शुरू किया तो मुझे आई वॉज़ लाइक थोड़ी मैं छोटी थी तक तो बट आई वॉज़ वेरी इंस्पायर्ड फ्राम हर कि वो किस तरह से आउट स्पोकन होकर हर चीज़ के बारे में लिख रही हैं वो एक्टिंग अपना करियर वो नहीं कर सकें कॉन्टीन्यू तो उन राइटिंग में जब ये लिखना शुरू किया तो इट वॉज अ वेरी गुड और मुझे बहुत खुशी हुई जब हमारी लोकल मतलब रीडिंग्स पे ये बुक अवेलेबल थी मैंने वहाँ देखी तो मैंने इसको फ़ौरन से ख़रीद लिया कि मैं इसको पढ़ूंगी और मुझे नहीं पता था कि इस पर मुझे रिव्यू भी देना पड़ेगा और तो मुझे बहुत मजे की लगी सो so, ट्विंकल खन्ना जो नाइन्टी स् किड्स हैं दे कैन रिलेट इट के मैं जब भी उनको सोचती मेरे जहन uh, में सिर्फ बादशाह मूवी आती है और वो हम लोगों ने इतनी ज़्यादा देखी है छोटे बच्चे थे हम लोग तब भी पर वो बहुत मजे की मूवी थी इंडियन सिनेमा के हवाले से अगर हम देखे तो वो लव स्टोरीज़ लव स्टोरीज़ लव स्टोरीज़ स्टोरी अगर चलती थी करण जौहर की बहुत ज़्यादा बट जब ये बादशाह एक मूवी आई कॉमेडी भी थी और इसमें जाहिर सी बात है वो लव वाला सीन तो होना था लेकिन इनकी कॉमेडी बहुत मज़े की थी उन्होंने बॉलीवुड स्टाइल में एक साईफाई मूवी बनाने की कोशिश की थी उस ज़माने में और वो बहुत कमाल बनी थी मतलब किस तरह से अंडर कवर एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं बच्ची को बचाते हैं दैन ट्विंकल का उसमें रोल था सो शी वॉज वेरी बबली एंड चार्मिंग इन दिस एंड जब उनको वो uh, मतलब हार्ट ब्रेक उनका होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार जब उनको धोखा मिलता है कि ये इंसान कोई और है और वो उनको पता नहीं होता कि वो

एक्टर तो हमें पता है कि वो बहुत अच्छी रही हैं लेकिन लेट्स सी हाउ इज़ द राइटिंग तो हम मैंने जब पढ़ा तो इनका फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है फॉर हर हस्बैंड फॉर अक्षय ईच टाइम देर इज़ अ पावर कट यू माई फ्रेंड ऑलवेज हैव अ फ्लैश लाइट हैंडी वेरी गुड तो द आर देर आर थ्री द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद दैन सलाम नोनी आपा if the weather permits and the sanitary man from a sacred land the legend of lakshmi prasad se uh, shuru hoti hai ek cheez aur ye short stories hain basically four different types of short stories hain jisme उन्होंने कुछ different different जगहों की जो हैं वो चीज़ें बताई हैं अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको यहाँ के local areas जो हैं uh, क्या कहते हैं इंडिया से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा तो कल्चर हम लोगों का तकरीबन सेम ही है लेकिन आपको फिर वो ये बात है कि राइटर्स का लिखा हुआ पढ़ के भी समझ आता है आई वुड लाइक टू रीड अ लाइन फ्राम द सैनिटरी मैन फ्रॉम अ सीक्रेट लाइन फिर मैं आपको बताऊँगी इसका सारा सीन क्या है ही बिगेन विद वन सेंटेंस इन इंग्लिश ही फेल्ट कॉन्फिडेंट ऑफ आई माई सेल्फ प्रभाष केवथ दिस साइड एट विच सरिता looking amused, replied, Which side is that? This side of the Indian border, or that side of the Pakistan one. This sentence is wrong. Taken back. Bablu replied in Hindi, How, madam, if you are on that side of the table, then I am naturally on this side. Arvind started giggling and Sarita smiled. I can see that I have my work cut out from me, and please call me Sarita, giving Arvind a sheet of word problems to solve, सरित पुल्ड आउट एन अल्फाबैट चार्ट अलॉन्ग विद द प्रिंटेड शीट दैट स्टेटेड लेसन टू इंग्लिश ग्रीटिंग्स इंट्रोडक्शन एंड फेयरवेल्स एंड बिगेन ट्यूचरिंग बबलू इसमें वो एक इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेज जो है वो ले रहा है और वो क्यों ले रहा है इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेज इस चैप्टर में बंदा वो इसलिए ले रहा है ताकि वो अंग्रेजी में लोगों से बात कर सके ताकि वो आपने एक मूवी आई थी जिसमें सेनेटरी uh, नैपकिनस के हवाले से उन्होंने वो मूवी बनाई थी दैट वॉज कॉल्ड पैड मैन उसमें दिखाया गया था कि किस तरह से एक बंदा जो है वो ख़ीन के लिए एक ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश करता है जो उनको अफोर्डेबल भी हो ईज़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो और उसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो तो बेसिकली दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दैट पर्सन बट ये थोड़ी लिखी डिफरेंट तरीके से हुई है अब जो इफ द वेदर परमिट्स इट्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट दो जो दो से तीन स्टोरीज हैं सलाम नोनी आपा एंड दिस इज़ ऑल्सो इट्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट उन्होंने एक इतनी ज़्यादा यू नो स्ट्रॉग औरतों की कहानी भी बताई है जो कि ज़्यादा उम्र में बड़ी हैं वो कैसी ज़िंदगी गुजारती हैं अच्छा यहाँ पर हमारे पास पाकिस्तान में अभी तक स्टिल मतलब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज शुरू हुआ है होना लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि हमारे घर में अगर हमारी वालदा मतलब शादी के बाद उनकी अपनी कोई सोशल लाइफ नहीं रहती फॉर द किड्स इन नाइनटीज़ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यंगर जनरेशन मतलब हमारी अब, अब की जो माएँ हैं वो दे ट्राई टू कीप देयर सोशल लाइफ एक्टिव एज वेल आफ्टर इवन गेटिंग मैरिड बट मोस्ट हमारी जो वालदा है या हमारे जो पेरेंट्स हैं आपने देखा होगा कि उनकी जिंदगी का जो क्रक्स है वो उनके बच्चे होते हैं और वो उसके इर्द गिर्द घूमता है उनकी अपनी पर्सनल जो सोशल लाइफ हम कहते हैं गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स वीकेंड uh, पे बाहर चले जाना दोस्तों के साथ उनके कोई इतने ख़ास दोस्त नहीं होते हैं एंड आई गेस मेजोरिटी ऑफ पीपल कैन रिलेट विद दिस कि आपके अम्मी अब्बा के कोई अगर एक या दो हो गया तो हो गया हमारी तरह से उनका इतना बड़ा कोई सोशल सर्कल नहीं है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एम्पावर्ड वुमेन uh, की स्टोरी भी है जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को लेके चलना चाहती हैं आफ्टर रिटायरमेंट एंड इफ दे वांट टू गेट मैरिड अगेन इन एन ओल्ड एज एंड इफ दे आर नॉट हैविंग पार्टनर विद देम तो वो किस तरह से दोबारा से पार्टनर के साथ आ, मतलब शादी कर सकती हैं या वो उनके कल्चर में क्योंकि उनका कल्चर काफ़ी डिफरेंट है सो so, उनके हिसाब से मतलब वो इफ़ दे वांट टू सी से सम वन तो वो कैसे आ, मतलब होते बैरियर्स वहाँ पर भी हैं और हर बंदा जैसे हमारी सोसाइटी में होता है वहाँ पर भी कहता है कि यार उम्र देखो और फिर चीज़ें करो तो इस तरह की कुछ एमपावर्ड चीज़ें हैं जहाँ पर उनकी फ्रेंड्स उनको सपोर्ट करती हैं और उनको एक अच्छा जिससे कि इन्वायरमेंट मिल जाता है दैन दीज शॉर्ट स्टोरीज जब मैंने पढ़ी थी तो आई वॉज लाइक इट्स वेरी फन मुझे शॉर्ट स्टोरीज़ इसीलिए अच्छी लगती हैं एक तो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं <laughs> दूसरा ये कि हमें मतलब एक कहानी को हम ज़्यादा खींचते नहीं हैं मतलब हम लोग अगर एक किताब में तीन डिफरेंट कहानियाँ हैं तो आपको एक किताब में तीन डिफरेंट प्रस्पेक्टिव मिल जाएंगे ज़िंदगी के अगर मैं ये एक ही बंदे की स्टोरी है ना वो इतनी लंबी मैं पढ़ती रहूँगी मैंने एक बुक पढ़ी थी और हान पामुक की रेड मैं उसको भी रिव्यू करूंगी उसमें इतनी डिटेल्स हैं आई गेस यहाँ पे कहीं पढ़ी होगी आई हैव अगर मुझे कहीं नज़र आ जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ दिस इज द बुक ये भी मैंने पढ़ी हुई है बट uh, मैं इसका रिव्यू करूंगी जब मैं आपको बताऊंगी ये इतनी डिटेल्ड बुक है इतनी डिटेल्ड बुक है दैट एट वन पॉइंट आई वॉज लाइक आई एम डन विद दिस प्लीज़ बस ख़त्म कर दो किसी तरह लेकिन वो ख़त्म uh, नहीं होती है। वो अपनी सारी डिटेल्स उन्होंने बता के ही उसमें एंड किया था और ये दिस इज़ अ बट क्या कहते हैं मिस्ट्री uh, थी कि किसने मर्डर किया है वी विल गो ऑन दिस बट इफ़ आई टेल अबाउट द रिव्यूज़ जो इनकी किताब के पीछे लिखे हुए हैं That is, deeply concerning subjects are put through Twinkle Khanna's grinder, and when they t reach you, they have lost all their graven, graveness and none of their gravity. Many of the time, if you have it weird I I am sorry for that. And uh, दैन uh, थोड़ी सी बुक की जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है एंड हाफिंगटन पोस्ट ने लिखा था थैंक यू मिसेज़ फ़नी बोन्स फॉर रिमाइंडिंग अस दैट लाइफ इज वट यू मेक ऑफ इट एंड द मोस्ट ऑर्डिनरी मोमेंट्स समटाइम्स प्रोवाइड द मैक्सिमम एंटरटेनमेंट एंड पॉल्स ऑफ विजडम एंड देन आई गेस ये स्टिकर है रीडिंग्स का हटा के हाँ टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था द फनी बोन डेफिनेटली टिकल्स यू बट एट द सेम टाइम ऑल्सो जैब्स यू हार्ड सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट ऑन दिस बुक बाय द वे बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि इन्होंने कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पर लिखा जो कि uh, आम बंदा जो है उसके बारे में बात नहीं ईजीली करता और इफ़ आई टेल यू अबाउट द डिटेल्स थोड़ा सा तो इट वॉज अ गैंगली यंग गर्ल ट्रांसफॉर्म्स हर विलेज विद रेवोल्यूशनरी आइडिया सिक्सटी एट ईयर वो नी आप आपा फाइन्स हर सेल्फ ड्रॉन टू अ मैरिड मैन वाई डू पीपल हैव टू डिफाइन रिलेशनशिप्स अंडरलाइन ईच वर्ड टिल द पेपर गिव्स वे बिनेथ She wonders. Bablu kevat becomes obsessed with sanitary napkins, much to his family's horror. And a young woman keeps checking the weather forecast as she meticulously plans each of her five weddings. Funny, observant and wise, this is a storytelling at its more iris irresistible. So थोड़ी-थोड़ी uh, हर story के बारे में आपको समझ आ गया हो कि मैं क्यों कह रही थी कि ऐसे tabus को discuss करना जो कि आम नहीं हो पाती नॉनी आपा like लाइक समबडी हु इज़ ऑलरेडी मैरड एंड नोनिया इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड एंड there देर देर इज़ अ स्टोरी ऑफ अस गर्ल जो कि uh, अपने गांव के इर्द गिर्द जो है वो एक ऐसी एक इनोवेटरी आइडिया से शुरू करती है जिसका बाद में उन सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है तो इट इट्स अ रियली रियली गुड बुक आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए और uh, मेरा ख़्याल है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी मतलब uh, बैचलर्स तक मतलब आगे होते हैं उनकी थोड़ी सी जैसे कि मेचोरिटी लेवल ज़्यादा होता है उनको भी ऐसी किताबें पढ़ना चाहिए ताकि वो दूसरे कल्चर्स दूसरे ट्रेडिशंस के बारे में भी जान सकें अपने लोकल कल्चर और ट्रेडिशन और फैमिली वैल्यूज़ को तो हमें सारी ज़िंदगी देखना ही होता है लेकिन आई गेस आई हैव दैट पर्सनैलिटी कि आई एम ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न अबाउट अदर्स मतलब मुझे अच्छा लगता है दूसरों के बारे में पढ़ना दूसरों के कल्चर के बारे में पढ़ना ट्रेडिशन के बारे में पढ़ना वेन एवर आई ट्रैवल मैं लोकल्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ आई कैन डिच द होटल रूम्स फैंसी होटल रूम्स एंड आई विल हैप्पीली स्विच टू द लोकल फैमिली और ए बी एन बी होस्टिंग मी सो दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि आप दूसरों के कल्चर ट्रेडिशन के बारे में पढ़ा करें आपको इतनी ज़्यादा यू गेट वो जो कलरफुल चीज़ें होती हैं ना वो फिर आपकी पर्सनालिटी में भी आना शुरू हो जाती हैं यू आर मोर ओपन टूवर्ड्स एथनीसिटीज़ माइनॉरिटीज़ इन योर ओन कंट्री इन योर ओन एरिया इंक्लूडिंग आपके अपने घर के इर्द गिर्द भी अगर आपके पास कोई और किसी कोई डिफरेंट फेथ की कोई फैमिली हो तो आप उन उनसे भी जाके बात करें मिलें देखें उनके फेथ में क्या चीज़ें हैं वो लोग कैसे अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं एंड ये एक बहुत अच्छा इंटरफेथ हारमोनी का भी जो है वो जो सबब बन सकता है सो दैट्स वाई आई ऑलवेज ट्राई टू रीड अबाउट के लोगों ने उनके लोकल कल्चर के बारे में क्या लिखा हुआ है अब अगर ट्विंकल खन्ना मुंबई या दिल्ली में रहती हैं तो उन्होंने सारी स्टोरीज़ मुंबई या दिल्ली में नहीं लिखी हुई ना मुंबई और दिल्ली के बारे में है इट्स अबाउट आउटस्कट्स एरियाज़ वहाँ के लोकल्स क्या करते हैं वहाँ की क्या प्रायोरिटीज़ हैं वहाँ के ट्रेडिशनल वैल्यूज़ क्या हैं उसके बारे में लिखी हुई है एंड आई रियली 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 लाइक दिस बुक एंड आई होप कि हम लोग जो हैं मज़ीद उनकी तरफ से जो भी किताबें आएँ वो यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान में भी इजीली अवेलेबल हों और जो उनका कॉलम uh, है वो तो हम लोग न्यूज़पेपर में मतलब पढ़ ही सकते हैं ऑनलाइन अगर हम लोग नहीं पढ़ सकते तो वो अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर करती हैं जो इनकी कुछ लिखी हुई <coughs> मतलब कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे ये कैप्शन लिखती हैं वो भी बहुत uh, मतलब अच्छी होती हैं और आई विल ऑल्सो टेल यू कि इनके यहाँ पे कुछ uh, वो भी आते हैं अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द राइटर्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग शुक्र मैं भूली नहीं हूँ मैंने क्योंकि uh, इनकी तरफ से एक अपॉर्चुनिटी आई हुई थी फॉर द राइटर्स टू राइट अबाउट समथिंग और मैंने उस पर लिखना भी शुरू किया था आइडियाज पिच करने थे <clears throat> और फिर उस पर कुछ आ, मतलब स्टोरीज़ लिख के शेयर करनी थी मैंने वो शुरू किया था लेकिन क्योंकि मेरे पास काम इतना ज़्यादा था और मैं वो नहीं मतलब कंप्लीट कर सकी थी सो आ, मैं वो सबमिट नहीं करा सकी लेकिन मेरा बहुत दिल था कि मैं उस मतलब अपॉर्चुनिटी को अवेल करूँ और इनको ज़रूर कुछ यहाँ से लिख के भेजूँ मैंने एक टॉपिक पर लिखना भी शुरू किया था बट ड्यू टू माई वर्क लोड आई कुडेंट बीट द डेडलाइन और आ, मेरे पास मतलब अपने जो मेरी स्टोरीज छपनी होती है ना अखबार में वो भी मैं डेडलाइन आखिरी मिनट पे दे रही होती हूँ कई दफा डेडलाइंस गुजर भी जाती है और फिर मैं अपने डेस्क को जाके कहती हूँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज आई वॉज बिजी या गॉड स्टाक तो इस वजह से आई कूडन मीट द डेड लाइन एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर देट बट आई विल ट्राई कि अगर आप कोई ऐसी और अपॉर्चुनिटी लाइक आने वाले दिनों में कोई निकालेंगी तो हम लोग मैं ज़रूर उसके लिए स्पेशली अप्लाई करूँ एंड आई विल सेंड यू अ बेट ऑफ रीड पीसेस जो कि आई राइट सो आप लोग जो है ये किताब ज़रूर पढ़ें बॉडर uh, के उस तरफ से बॉर्डर के इस तरफ से जो भी किताबें आएँ आप पढ़ें बिकॉज आर्ट हैज़ नो बॉर्डर्स एंड आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज़ सो आप uh, ज़रूर पढ़ें दूसरों के बारे में भी और uh, ये है कि किताब हमेशा जो है वो अच्छी होती है हर किताब अच्छी होती है हम लोग आप uh, ज़रूर कमेंट्स में बताएं अगर आपने ये बुक यहाँ पर रीडिंग से लेकर पढ़ी है सो डू लेटस्ट नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये बुक कैसी लगी आपको उनका राइटिंग स्टाइल कैसा लगा बहुत सिंपल लिखा हुआ है बड़े बड़े लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किए हुए आप आराम से ये स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं आपको डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड uh, हम लोग जो है आपसे दोबारा किसी और किताब के uh, लिए भी मिलेंगे और रिव्यू करेंगे तब तक आपना बहुत ख्याल रखें एंड फॉर फॉर आई डो नो फॉर गॉड सेक मैं जितनी मर्जी दफ़ा कह लूँ वो कम है प्लीज़ 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 फॉलो द ट्रैफ़िक रूल्स और दूसरों को भी रास्ता दें और ख़ुद भी जो है वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें कि आ, अपनी सीट बेल्ट को हमेशा जो है वो आ, बांधे रखें फास्ट इन योर सीट बेल्ट और आ, अपना जो रोड है उसको साफ सुथरा रखें लाहौर में क्योंकि बहुत सी जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो हम लोग ट्रैफिक जैम्स में फंसना एक मामूल है लेकिन आप जो है वो प्लीज़ ख्याल रखें कि ख़ुद भी जो है सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ़ रखें एंड मेक मेक दिस मोटो कि आपने दूसरों को रास्ता देना है दैट्स इट सारी जो ट्रैफिक है वो उसका हल निकल आएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें मैं इंशाल्लाह आपसे दोबारा जल्द बहुत जल्द मिलूंगी विद अनदर बुक रिव्यू तब तक जो है वो अदान मोइस के आप लोग रिव्यू इन्जॉय करें थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़